नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि BBOAC के माध्यम से आप सभी को जो ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही थी, उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है जिसको मैं दिखाऊंगा। और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और मैं आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन करूँगा कि क्या आप सभी को मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है? अगर मिलता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी समझ में आए कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आगे इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ है कि पुनः स्मरण कीजिए, सभी सेविका को सूचित किया जाता है कि बिहार बोर्ड ऑफ स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन यानी कि BBOAC के माध्यम से सभी सेविका और सहायिकाओं को डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाना है। ये बातें आप सभी को मालूम ही होगी, जिसकी पंजीकरण आज से शुरू की जा रही है, यानी कि आज 29 तारीख है और 30 तारीख, दो दिनों के बीच में आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अपने ऑफिस में जमा करा देना है जी। तो उसी के रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे ध्यान से सुन लेना है। और मात्र दो दिनों का ही समय मिला है, आप इन दो दिनों में अपने ऑफिस में जाके वो डॉक्यूमेंट्स जमा करा देने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे आधार कार्ड का एक छाया प्रति देना है, यानी कि आधार कार्ड का फोटो कॉपी, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र का छाया प्रति, यानी कि आपने जितना भी पढ़ाई किया है उसका सर्टिफिकेट का एक फोटो कॉपी आपको साथ में लेके जाना है। यानी कि आपने मैट्रिक तक ही पढ़ाई किया है तो आप लोग मैट्रिक का सर्टिफिकेट का जो छाया प्रति होता है उसको आप लोग साथ में लेके जाइएगा। अगर आपने इंटर या उससे अधिक कोर्स किया है पहले तो आप लोग उसका भी सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी लेके साथ में जाना है। और इसमें इसके बाद यहाँ पे पति का नाम और पिता का नाम आपको एक सादे कागज़ पे लिख लेना है, और उसी पे लिखना है आपके पद क्या है, आप सेविका हैं या सहायिका हैं, आप दोनों सेविका सहायिका दोनों को ये काम करना है। और उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखना है, यूनिक कोड लिख देना है, और उसके बाद आपको केंद्र संख्या लिख देना है कि आपके किस केंद्र से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है, ईमेल आईडी जैसे कि आपका यूनिक कोड होता है, यूनिक कोड के जस्ट आगे आपको सिर्फ बी और आर लिख देना है तो वही आपका ईमेल आईडी हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आप लोग मोबाइल नंबर अपने ऑफिस में जमा किए हैं लिख देना है। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है सेविका और सहायिका दोनों को भी एक एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, इसे अति आवश्यक समझें, ये पंजीकरण मात्र दो दिन ही चलेगा, इसलिए मांगी गई रिपोर्ट को ससमय अपने ऑफिस में जमा करा दें। और यहाँ पे मैं बात कर लूँ किसको डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा, किसको सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा। 8वीं से लेकर 10वीं तक जिन्होंने अपना योग्यता प्राप्त की है उनको यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा, यानी कि एक साल का डिप्लोमा कोर्स होगा। और जो लोग ट्वेल्थ से अधिक पढ़ाई की हैं उनको यहाँ पे 6 महीने के लिए कोर्स कराया जाएगा। और जो लोग आज 29/6/2021 को ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपने ऑफिस में जमा करा दिए हैं वो लोग नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ मैंने अपना जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसको जमा करा दिया है। और ये वीडियो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं उन सभी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।